जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगदवंद स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राजक जैन संत का, अनवरत आंदोलन के प्रवर्तक का। तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से आलोकित होने का। अध्यात्म शक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हुए वे कहते हैं, मध्यात्म विदाम वाच्यम बतस्विनामक्षवताम परोक्षम श्री वर्धमाना गिद्धमात्म रूपम अहम स्तुतिर्गोचरमानयामि अहम स्तुतिर्गोचरमानयामि। उपस्थित मानव मेदिनी भाइयों, हर व्यक्ति को किसी का अच्छा परामर्श मान लेना चाहिए। 79 बसंत मैंने पार कर दिए, समझ नहीं सका मैं कैसे कर दिए। मैं तो आज भी अपने आप को वैसे ही मानता हूं, पर लोग कहते हैं 80 उम्र से है। ठीक है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। हर व्यक्ति संसार में आता है, रहता है, चला जाता है, ये इतिहास संसार का है। मेरी कौन सी चिगारी? राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, गांधी, कितने महापुरुष संसार में आए, सब चले गए। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, पर मैंने एक पाठ पढ़ा, जो व्यक्ति इस दुनिया में आके कठोर श्रम, कठोर काम करना सीख लेता है, उसका जीवन सफल होता है। ये पाठ मैंने पढ़ा, अपने गुरुओं से पढ़ा, गुरु शरणम। कठिन काम करना चाहिए, मैंने सबसे कठिन काम क्या है? सबसे पहला कठिन काम यह है, अपनी आदतों को बदलना। मैंने अपने बर्बाद किया, मेरे में आवेश भी था, झुंझलाहट भी थी, निराशा भी थी, कमजोरियां भी थी। एक कठिन काम को पकड़ा, इन सबको मुझे जीतना है। एकदम विजय प्राप्त कर ली तो नहीं कह सकता हूं, बहुत कुछ पाया है। फिर मैंने सोचा, कठिन काम क्या है? जनहित कठिन है। जनहित वही कर सकता है जो अपना स्वार्थ छोड़े। इस काम में लगा, और जनहित के काम में लगने के लिए प्रयत्न की, लगभग 100,000 किलोमीटर पर जाते हैं। सरल तो नहीं, कठिन काम है। पंजाब से कन्याकुमारी, कलकत्ता से कच्छ से चलता चला, धर कूचा धर मदला। ये हमारे सब साधु साधियां, ये सब साथ। कुबेर का सवाल नहीं, रात का सवाल नहीं, धूप का सवाल नहीं, छा का सवाल नहीं, प्यास का सवाल नहीं, सर्दी गर्मी का सवाल नहीं। चलता जरा तो सोचा ठीक, काम कठिन होगा। फिर सोचा है, इतना बड़ा काम मैंने शुरू किया, एक सबसे बड़ा कठिन काम बाकी बच गया, क्या? सफलता में अहम, असफलता में निराशा, दो
ऐसी कठोर काम है, थोड़ी सफलता मिली एम से फूल जाता है आदमी, थोड़ी असफलता मिली क्या करूंगा, मैं 27 पर विजय प्राप्त नहीं करूंगा, मेरा काम पूरा नहीं होगा। भाइयों, मैं तो आपकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, अपनी खुद की चर्चा कर रहा हूं। ये तो कठिन है, दुनिया की चर्चा सब कर लेते हैं, खुद की चर्चा कौन करता है। मैंने अपना चिंतन किया, इंदिरा गांधी पुरस्कार जिस दिन घोषणा हुई, मैंने उस दिन अपने आप को देखा और मैंने कहा आज मेरा परीक्षा का दिन है। एक दिन वो था, रणावास में बैठा था, किसी ने कहा आज आपकी मृत्यु है, कह दिया आज का, आज आपको बड़ी भारी पुरस्कार मिला है। तो मैंने उस दिन तोला, मौत के भय से मेरी हार्ट की चाल बड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं बड़ी, मैंने खूब देखा। इस पुरस्कार को सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ, इससे मेरे में किसी प्रकार का हम नहीं जागा, तो मैंने सोचा मैं सफल हूं, सफल हूं, इस कठिन काम करने में मैं सफल हुआ हूं। और अब कठिन काम क्या रहा, अब मनुष्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना करना, यह कठिन काम है। इस कठिन काम को हमने शुरू किया अणुव्रत के माध्यम से। मैं किसी को जैन बना सकता था, जैन बनने की प्रेरणा दे सकता था, मैंने कहा यह कठिन नहीं, जैन से भी मैन बनाना कठिन है, मानवीय मूल्यों की स्थापना कठिन है। इस काम में मैं लगा, मुझे लगा अणुव्रत नहीं है, जागतिक समस्याओं का समाधान है। संसार की जितनी समस्याएं हैं कुछ एक को छोड़कर लगभग समस्याओं का समाधान इसमें है। जातिवाद की समस्या है, अणुव्रत किसी जाति को मानता ही नहीं, एक ही मानुषी जाति। सांप्रदायिकता की समस्या है, अणुव्रत असांप्रदायिक धर्म है, मंदिर मस्जिद का झमेला आया। अणुव्रत कहता तुम जहां जाके बैठो वही मंदिर वही मस्जिद, कोई सवाल नहीं है, तुम्हारा खुदा तुम्हारे सामने है, खुदा कहां नहीं है, इधर देख दो उधर तू, खुदा कहां नहीं है। मैं समझता हूं मस्जिद मंदिर कहां नहीं है, ये छोटे लोग क्यों उड़ रहे हैं, मंदिर यही होना चाहिए, मस्जिद यही होना चाहिए। राम नाराज हो जाएंगे, रहमान नाराज हो जाएंगे, न राम नाराज न रहमान नाराज, नाराज स्वयं का अहम हो रहा है, खराबियां हो रही है। अणुव्रत में कोई नहीं है मंदिर मस्जिद का, मेरा ही, मैं मानता हूं। इस रूप में यह काम कठिन से कठिन काम आज के युग में, आज के युग में ईमानदारी की बात माँ प्रज्ञा ने कही, प्रमाते माँ प्रज्ञा ने कही, मानव की बात का बात कही, कठिन से कठिन काम है। इस कठिन से कठिन काम को हमें करना है, अवश्य करना है। भाइयों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आए हो तो मुझे क्या दोगे, मेरे काम को बताओ, मेरे काम में हाथ बटाओ, ये मेरी मांग है आपसे। तब तो सच्ची श्रद्धा आप में है और आप मेरे काम में हाथ बटाओ, मेरा विश्वास है। अणुव्रत क्या है अधिक नहीं बताऊं, एक ही पद्य, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में, तुलसी अणुव्रत सिंहनाद मानवीय मैं अर्ज संयम मय जी
नैतिकता की सुर सरिता में जल जल मन पावन हो, संयम मय जीवन हो, संयम मय जीवन हो। ये अनुपत का घोष है, संयम ही, संयम ही, संयम ही, निज प्रशासन, निज प्रशासन, निज प्रशासन। हम सब पहले इंसान इंसान, पहले इंसान इंसान, ऐसी घोष है। इन घोषों को हम ध्यान में रखें तो हमारा ख्याल है उसका काम हो सकेगा। अधिक मैं नहीं बोल सकता, आप लोगों ने बड़ा श्रम किया और अगर मेरे काम को आप हटाएंगे तो बड़ा भारी आभारी रहूंगा। इसी दृष्टि के साथ में अपने तरफ से शुरू हूँ।